हेलो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं सतना से। ये मैं हूँ, ये मयंक है और ये हमारे गाड़ी के साथ में भास्कर और मीनू जा रहे हैं अभिषेक सिंह। तो अभी हम लोग हजार हजार का तेल डलवा के आए हैं सतना से। क्यों भाई, अपन कहाँ पहुंचे अभी? पन्ना। पहले अपन आगरा पहुंच जाए, अगर आगरा नहीं पहुंचेंगे तो अपन ग्वालियर में रुकने का ट्राई करेंगे। ये हमारे राइडर भास्कर सैनी जी, दांत दिखाइए तब दिखेंगे। दांत दिखा। हेलो गाइस, तो अभी हम लोगों ने झांसी में खाना खा लिया है, तो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत इकोनॉमिकल खाना था, हम चार लोगों ने भरपेट खाना खाया है। अभी सेब टमाटर की सब्जी खाई, दाल तड़का खाया, रोटी खाई बढ़िया प्लेन, बटर लगा के खाई थे यार। तो उसके बाद जीरा फ्राइड राइस खाया, टोटल बिल हुआ 470 रुपये करीब। अच्छा था, टेस्टी खाना है। आप कभी आइएगा तो यहाँ पे आइएगा, इसका नाम है केवल ढाबा। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:27 और हम लोग ने यहाँ से ग्वालियर से चेकआउट कर लिया है। हम लोग यहाँ पे रुके थे होटल एम्बेसडर पे, यहाँ पे हम लोग का एक नाइट का स्टे एक रूम का तकरीबन 1200 पड़ा, जिसमें हम लोग चार लोग रूम पर रुके थे। तो हमने एक अच्छा यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ये मेरे दोस्त अभिषेक और भास्कर सैनी बैंक गाड़ी का बैंक मांग रहे हैं। देखते हैं, आज अपना टारगेट तो है हरिद्वार पहुंचने का। ट्राई करते हैं हरिद्वार पहुंचना, यहाँ से 500 किलोमीटर है, फिर बताते हैं आगे। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग रुके थे धौलपुर में, जो राजस्थान बॉर्डर है अपने एमपी की। यहाँ पे हम लोग किले देख रहे थे, बहुत अच्छा सीन है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। बहुत ही शानदार यहाँ पे चंबल की घाटी है, किला है, मस्त। अभी सनराइज का सीन चल रहा है वहाँ पे, देखिए सूरज भगवान है वो, देखिए वो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं बाद में। दोस्तों, हम लोग पेरी फेरल एक्सप्रेस वे में फंसे हुए हैं, फंस गए हैं। बहुत तेज तूफान है, बहुत तेज तूफान है, हम लोग मिशन पेरी फेरल एक्सप्रेस वे में सर। हम लोग के जूते गीले हो गए हैं दोस्तों। ये अभिषेक सिंह विश्वकर्मा ना, ये हमारे ब्लॉगर का आईफोन है, उसमें हम लोग एक्सपीरियंस रहा है सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइज, अभी हम लोग काफी देर से, एक घंटे से यहाँ मेरठ में बैठे हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत तेज पानी गिर रहा है, हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। बस हरिद्वार यहाँ से सिर्फ 140-150 किलोमीटर है। ट्राई करते हैं कि शाम को 7 बजे तक हरिद्वार पहुँच जाए। हेलो गाइस, तो हम लोग हरिद्वार आ चुके हैं। आज हम लोग शाम को 6 बजे हरिद्वार आ गए थे। आने के बाद हम लोग को पता चला कि केदारनाथ के पर्ट और पूरे उत्तराखंड में आने वाले 2-3 दिन तक भारी बारिश होने वाली है, जिसके कारण यहाँ पे कर्फ्यू लग गया है। तो देखते हैं अब क्या स्टेप होगा, सुबह देखा जाएगा। अभी तो हम लोगों ने होटल ले लिया है, ये हमारा होटल इस तरह के, हमारे पास 2 रूम है, 600-600 रुपये के हमने 2 रूम लिए। गाइस, आप देख सकते हैं कि हरिद्वार में कितना पानी गिर रहा है, बट फिर भी आज हम लोग यहाँ से ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं। सोच रहे हैं कि ऋषिकेश पहुँच जाएँ तो फिर वहाँ से आगे का सफ़र तय करेंगे। 2-3 दिन तक तो भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पे है पूरे के पूरे उत्तराखंड में, बट हम ट्राई करते हैं कि हम ऋषिकेश आज पहुँच जाएँ। ये हमारे पास अभिषेक सिंह साथ में, सब मौत लगे। ये देखिए गाइस, हम लोग ने अपना पूरा सामान ये गाइस हम लोग का रूम था, हम लोग रेस्टोर में कर रहे थे, 1200 रुपये में 2 रूम हम लोग इस तरह के लिए थे। देखते हैं गाइस ऋषिकेश पहुँच के क्या होता है, 1-2 दिन में शायद मौसम खुल जाए। अब इतने दूर आए हैं, 1000 किलोमीटर बाइक चला के, तो केदारनाथ के दर्शन करके तो जाएंगे, देखते हैं गाइस। गाइस, तो हम लोग ऋषिकेश में हैं, यहाँ पे हम लोग आज का पूरा दिन आराम से रूम में सो के बिता लिए, और यहाँ पे हमारे दोस्त लोग नज़ारा देख रहे हैं, जिसे आप कहना चाहेंगे आज का पूरा दिन हम लोगों ने होटल में रहकर काट दिया है। देखते हैं कल क्या होता है। ऋषिकेश अच्छी जगह है, यहाँ आइए घूमिए, हर एक चीज़ की सुविधा यहाँ उपलब्ध।